अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं विपक्ष के नेता के रूप में यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है जहाँ कमी छोटी है उसको जाहिर करना, ये मेरा दायित्व बनता है। संकट के क्षण में हम इकट्ठा हैं, ये सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूँ कैजुअलनेस रही है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि बैठक होती तो बाढ़ नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब, हमारी प्रेपरेशन हमेशा उस तरह से होनी चाहिए थी। अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस प्रकार की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत इस संकट के क्षण में, इस त्रासदी के दौरान अगर शुरू हुई है तो वो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इनके जो छुटवाइये नेते जो है नीचे भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है इस बार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे फोर लेन्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें जो रिलीफ की इन्होंने व्यवस्था की, उस सारी बात को लेकर के मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, एक फौरी राहत का एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो फौरी राहत जो है, जो तुरंत जो है, जो प्रभावित परिवार होता है उनको दिया जाता है, और वो राशि थोड़ी होती है, वो राशि ज्यादा नहीं होती है, 15,000-20,000 रुपए इस तरह से होती है, उसको कैश की शेप में देने की व्यवस्था रही है। लेकिन यहां पर फौरी राहत के बजाय जो है वो जो पूरा पूरा जो पैसा जो है वो लोगों के हाथ में कैश की शेप में दिया जा रहा है। और कैश देने वाले कौन हैं? विधायक को समझ में आता है, कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। ये आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं वो डेडिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक उस काम के लिए, और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल उसमें घूमने निकल पड़ा। हमारे दौरान भी हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन ली थी, हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर मांगे थे और काम पे लगे, लेकिन ना कोई मंत्री उसमें गया, ना ही मुख्यमंत्री गया, क्योंकि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेडिकेट किया जाता है। एक आदमी, चार आदमी, जहां भी जो लोग फंसे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकालने में आर्मी के जो जवान उसमें होते हैं वो काम कर सके। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा इम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा।